पढ़ के आई थी, सही में पढ़ के आई थी थोड़ा मम्मी के समा थोड़ा थोड़ा पढ़ के आई थी। नहीं पढ़ा था। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो भाई आज का सीन है कुछ ऐसा, आज है मेरा प्रैक्टिकल और भाई 9:15 हो चुके हैं, 9:20 पे एंट्री है और मैं वैसे ही लेट हो चाहूँ। अब मुझे 5 मिनट के अंदर कॉलेज में पहुँचना है, तो मैं एक बार कॉलेज पहुँचा उसके बाद करता हूँ आप लोगों से बातचीत। और भाई बैक टू बेसिक्स, आज दोबारा कॉलेज जा रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है। ब्रो कैसी तैयारी है आपकी, जैसी हालत में आप बैठे हो उसमें आपको तैयारी नहीं आ रही है? कितने भाई ये मेरे पसीने हैं, डर है, मेरा खौफ हो रहा है, प्रैक्टिकल को नहीं आंदा। भाई हंस क्यों रहा है तू, ये उसके पहले की शांति है। सुनो सुनामी के आने के पहले की शांति। 14 तारीख को पहला पेपर है भाई, गांव जा रहा है, याद ही करज होगी। ओए भाई ओए हंस मत यार, भाई भाई बहुत दुख हुआ भाई सुन के, लेकिन भाई भाई पेपर क्यों दे रहा तू? बहुत कुछ हुई भाई, बहुत खाने जा रहा है, बहुत कह रहा है भाई, कितने गंदे आ रहे हैं भाई, कह रहा है भाई सही हो गया, मेरे पेपर और मेरी दादी खर्च होगी। लोग भाई इस दुनिया में, भाई मेरे पसीने तो देख लो यार, तुम किसी के इतने पसीने नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि मैं पानी ज्यादा पीता हूं। लो भाई बच्चे भाग रहे हैं कहीं कहीं कि हमारा नंबर ना आ जाए, भाई किसी को कुछ नहीं आता, और मैडम कह रही है जो मैंने सिखाया वो सब तो तुम्हें फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। भाई फिंगर टिप्स पे याद है क्या सब कुछ? कुछ नहीं याद है भाई। भाई फिंगर तो होंगी ना? यस। ठीक है टिप्स पे और कर लो। बात आ गया भाई, मैं तो फाइल भी बना के लाए हूँ और मुझे तो सब कुछ आता है, इन्हें नहीं आता भाई। टेंशन हो रही है भाई, तुम पसीने देख लो मुँह पे, शिकंज का माहौल। मेरी शब्दावली सुधर गई भाई, दिखाइयो क्या कर रहा भाई, ये पढ़ रहा है, दिखाता हूँ रुको आपको। पढ़ा नहीं और फोन में ब्राइटनेस कम करके पढ़ रहा है ताकि बैटरी खराब ना हो जाए। भाई आता है क्या कुछ तेरे को? भाई तेरे को आता है कुछ ना? भाई तेरे को तो कब आता है भाई, तेरे को आता है कुछ? हैं इसने तो भाई हाथ जोड़ दिए, जीरो आएगा भाई, किसी को कुछ नहीं आता। और भाई वहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं क्योंकि उनको भी कुछ नहीं आता भाई। क्या भाई? एक है भाई हमारी अडमाइन। हाँ एक बात भाई, आपको अडमाइन की बात बताता हूँ। मेरे पास रात को मानसी का कॉल आया, तो जब उसका कॉल आया ना तो मैंने उसको बोला कि 9:30 कॉलेज जाना है, प्रैक्टिकल है। तो भाई उसने मेरे को कहा कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चलता है, तुम्हारे पास मैडम का नंबर है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं मैडम का नंबर नहीं, मैडम ग्रुप में बताती है ये सब कुछ। बोली अच्छा फिजिकल का ग्रुप भी है? उसको भाई पता ही नहीं था। और आज उसका प्रैक्टिकल है और कल वो ग्रुप में ऐड हुई है, और वो बोले कि ग्रुप का अडमाइन तू है, एडमिन नहीं अडमाइन, इतनी पढ़ी लिखी है ये, अडमाइन तू है। मैंने कहा मैं तो एडमिन हूँ, अडमाइन तो हूँ नहीं। अरे घड़ी आ चुकी है, बुलावा आ गया दोस्त, क्या करोगे आप जाके वहाँ? चलो भाई देखते हैं क्या होता है। ये तो फेल होएगा भाई मेरा, पता नहीं भाई, पता है क्या बात है भाई, मैंने वो धोनी का इंटरव्यू देखा, तो उसमें वो बताता है ना अगर पूरे साल पढ़े होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पूरे साल नहीं पढ़े होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी चलते हैं देखते हैं फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। कल है प्रैक्टिकल के बाद की। अरे भाई एक नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया, आग लगा दी। मैडम बोली वाह कहाँ से सीख क्या है काम करते हैं? मैंने कहा वाह कहाँ से सीख क्या है? मैडम ने हमसे पूछा कि ऑल इज वेल क्या होता है, मैंने बता दिया। इससे वो भी नहीं बताया गया, ये बोला मैम आमिर खान ने हमें कुछ भी नहीं बताया कभी, नहीं भारी बात ही नहीं हुई उससे। मैंने कहा ऑल इज वेल का मतलब होता है सब ठीक है, दिल को कहते हैं ना ऑल इज वेल, बस भाई यही बुलवाया और प्रैक्टिकल पूरा हो गया। और 100 नंबर का तो था भी नहीं, 20 नंबर लग गए, 25 का सॉरी गलती होगी, 20 का नहीं था। वाह भाई वाह मेरे प्रैक्टिकल की खुशी में, भाई तुम मौसम देख लो कैसा हो गया। वाह भाई कॉलेज की याद तो बहुत आएगी भाई इतने दिन जाने के बाद, लेकिन मौसम एक नंबर का, लव यू मौसम, लव यू। ओ परिंदे कहाँ गया तू? मौसम भाई एक न, ओहो इस मौसम में कितना गोरा दिखाई दे रहा हूँ मैं भाई, एक नंबर मौसम हो गया। और भाई देवेश भाई जा चुके हैं घर पे इसीलिए कि भाई उसको जाना है मुजफ्फरनगर, अब वो 2 दिन में आएगा क्योंकि उसको भाई ड्राइविंग लाइसेंस का काम था और 2-3 काम और थे, उसको घर भी जाना था, तो वो चला गया प्रैक्टिकल देते ही। हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है भाई, मेरा भी हो चुका है, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छे, बताऊँ कितने आए हैं भाई, सही बताऊँ तो भाई पूरे नंबर ही आए हैं, फिर कभी तुम सोचो भाई झूठ बोल रहे हैं, सही में भाई मेरे पूरे नंबर आए। और भाई मज़ा आ गया, टेंशन दिमाग से टेंशन हट गई। सीरियस नोट मैंने रात को कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था यार, लेकिन मैडम ने जाते ही जनरल क्वेश्चंस पूछे बस, थोड़े फिजिकल को लेके और हेल्थ को लेके और बॉक्सिंग के बारे में पूछ लिया भाई, तो तुम्हें जिसको ना पता हो भाई तुम्हारा भाई पहले बॉक्सिंग करता था, बॉक्सिंग के बारे में थोड़े क्वेश्चन पूछे, आग लगा दी तुम्हारे भाई ने पूरे नंबर। मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा यार, इतना प्यारा मौसम, वाह मज़ा आ गया। मैं पक्का ही पक्का ना हूँ भाई बारिश आ गई तो। ओए तुम लोग ना आओगे? क्यों? अरे ना लेना ना, चलो मत नहाना भाई, नहाने के लिए किसकी कंपनी चाहिए, मैं अकेला ही नहा लूँगा, ऐसे ऐसे करके कमर खुजा लूँगा। बारिश आ चुकी है और तुम्हारा भाई आज तो पक्का ना आएगा बारिश में, मज़ा आ जाएगा भाई नहा के। ओए मेरा बैग पकड़ लेना बस, और फ़ोन भी, फ़ोन तो वाटर प्रूफ है, फिर भी पकड़ लेना, मेरे को टेक्नोलॉजी पे इतना भी विश्वास नहीं है कभी ख़राब हो जाए। घर जाना था, अब घर पे भी नहीं जा सकते, और प्रैक्टिकल मेरा 11 बजे ख़त्म हो गया था। और भाई हाँ सुनो, आज से भाई मैंने एक नई चीज़ मतलब ट्राई करने की कोशिश की है, अब से भाई व्लॉग 11 बजे आएंगे, क्योंकि भाई मैंने देखा कि यूट्यूब पे मेरी ऑडियंस 11 बजे ज़्यादा एक्टिव होती है भाई,
रिस्क लेके देखा भाई, क्या पता अगर नहीं हुआ कुछ 11 बजे ठीक तो भाई 10 बजे डाल देंगे, देखते हैं भाई क्या होता है। भगवान भरोसे, हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई साहब भाई बारिश यार सबसे प्यारी चीज। हमारा भाई इतना तेज है कि फिजिकल वालों की मतलब उसके बाद रेस भी होनी थी, वाइवा के बाद रेस होनी थी, 9 मिनट कुछ लगातार भागना था। और मैंने मैडम को 3 दिन पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि मैम मुझे और देवेश को घर जाना है तो मैं वो नहीं दे पाऊँगा प्रैक्टिकल, मतलब जो भागने वाला रेस वाला। मैडम बोली कोई बात नहीं बेटा, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आपने कभी छुट्टी नहीं मारी, मैं आपके वैसे ही नंबर लगा दूंगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझना भी चाहिए। मानसी 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 एक बात बता ना, तेरा असाइनमेंट सॉरी प्रैक्टिकल कैसा हुआ? बहुत अच्छा अच्छा हुआ था। पढ़ के आई थी? सही में पढ़ के आई थी? थोड़ा थोड़ा मम्मी कसम खा जा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आई थी। नहीं पढ़ा था। अरे झूठी भाई, पता चल गया ना झूठ बोल रही है। अच्छा और सुनो आप, और देखो, और देखो भाई प्रैक्टिकल में क्या पूछा तेरे से, कोई भी दो क्वेश्चन बता दे जो तेरे को याद हो, जो तेरे से पूछे हो। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस मैम अपनी बात कुछ बता रही थी, कुछ समझाया थी। भाई मैडम ने जो पूछा उसके सर के ऊपर से गई, इसको पता ही नहीं था कि अच्छा ये वेट करी थी कब मैम क्वेश्चन पूछे, मैडम पूछ के हट गई। और ये बोली मैडम क्वेश्चन कब पूछेगी, इसको यही नहीं पता कि मैडम ने क्वेश्चन क्या पूछा है। कैसी सी है तू? मैंने सब कुछ सही बोला था वहाँ पे। अच्छा और तू बैठी कहाँ पे थी भाई, जैसे 5 जने बैठे थे और तू बैठी कहाँ थी? सबसे कंधे पे तू बैठा था, सबसे कोने में। मैंने तेरी एक टेक्निक, मेरे को भी एक्सपोज कर दिया गाइस ने। नहीं भाई कसम से भाई, मैं सारा सुना के आया था, मेरे से उन्होंने बॉक्सिंग का पूछ लिया तो मैंने लाइन लगा दी। और मानसी से पूछा, मानसी तेरे से क्या पूछा था? कुछ भी नहीं पूछा मैम, इसको याद ही नहीं भाई से क्या पूछा था, बहुत कुछ पूछा था। रहन दे, नहीं पूछा। झूठी नहीं, झूठी नो नो नो। हाय हेलो कराते हैं, बहुत दिन हो गए। अंकल जी कैसे हो, ठीक हो? भाई देख लो भाई कलाकारी देख लो, फोन कहाँ टांग रखे, वाह भाई वाह, मौज कर। सो गाइस मैं कॉलेज से तो आ गया था घर पे और अभी शाम के 6 बज चुके हैं भाई। मैं थोड़ी देर सो गया था और एक नंबर की नींद आई भाई, मज़ा आ गया सो के। और भाई जैसे मैं आया हूँ ऊपर, अब आपको बताता हूँ कि आज क्या क्या सीन हुआ भाई प्रैक्टिकल का। तो भाई मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल का जो सीन था ना, कि हमने पहले प्रैक्टिकल भाई देने से पहले सब डरे हुए थे, क्योंकि भाई किसी ने क्लास ही नहीं ली थी यार अच्छे से कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई सबसे पहला बैच ही हमारे कोर्स का आ गया, उसके बाद पहले गए 5 बच्चे, देवेश और 5 बच्चे थे उनका, 5 बच्चों का ग्रुप था वो चले गए। उसके बाद हमारा ग्रुप गया भाई, उन्होंने मतलब बता दिया हमें कि ऐसे ऐसे कुछ ज़्यादा वो वाली बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जाओ। हम गए भाई, हमने सुना दिया। और हमारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का था भाई जो ऑनलाइन क्लास में अपनी मम्मी को बिठा के और घूमने चला जाता था कहीं, मतलब कुछ भी करता रहता था घर पर। तो एक दिन उससे मैडम ने सवाल पूछ लिया कि शिवम बेटा आप बताओ, तो उसकी मम्मी ने माइक ऑन करके बोला शिवम तेरी मैम बुला रही है, मैं जा रही हूँ मुझे और भी कुछ काम है। तो उस दिन पता चला कि वो अपनी मम्मी को बिठा था, उसकी मम्मी उसकी अटेंडेंस लिखती थी मतलब चैट बॉक्स में कि हाँ मेरा बेटा प्रेजेंट है। कितनी ममता देख रहे हो। तो मैडम ने वो इंटरव्यू प्रैक्टिकल के टाइम भी बता दिया कि इसकी तो मम्मी बैठती है, मैम इसको तो कुछ नहीं आता होगा, इससे आप कुछ मत पूछना ठीक है। और वो शिवम भाई वही लड़के, उसी लड़के की एक बात बताता हूँ कि कल रात को ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया, एक लड़के ने मांगी कि भाई कोई फाइल दे दो, प्रैक्टिकल फाइल थी ना जो, भाई कोई फाइल दे दो। तो शिवम ने क्या किया, शिवम का कमेंट आया दूसरा कि भाई कौन सी फाइल, फाइनल पेपर है और कल फाइल देनी है और वो शाम को पूछ रहा है 9 बजे कि भाई कौन सी फाइल। फिर मैडम का उसके पास फ़ोन गया होगा, मैडम ने उसको बताया होगा कि कौन सी फाइल, फिर भी वो दूसरी फाइल बना लाया आज। जो क्वेश्चन लिखने थे ना वो क्वेश्चन नहीं लिख के लाया, कोई और ही 10 क्वेश्चन बना लाया। वाह भाई वाह, मौज कर दी। कैसे प्यारे लोग रहते हैं मेरे आसपास ना, कितने दिमाग वाले। और भाई जूतों का कुछ ऐसा सीन है भाई, मुझे लग रहा था कि जूते बिल्कुल नहीं सूखेंगे, लेकिन ब्लैक शूज़ इज़ माई लव भाई, वो सूख गए। और पता, और भाई वाइट और वो ब्लू वाले बिल्कुल नहीं सूखे थे, बस वो ब्लैक वाले वो भी हल्के से रहते थे मामूली से। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, काम चल गया मेरा, मज़ा आ गया। आज भी बारिश हुई लेकिन बारिश के बाद भी देखो भाई पसीना भाई, ये मौसम मुझे गर्मी का इतना बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, मुझे ठंड पसंद है भाई, मैं तो पोलर बियर हूँ, पेंगुइन। आज असाइनमेंट देखे ना ऐसा लग रहा है कि एक बोझ ख़त्म हो गया सिर के ऊपर से, जैसे कि मैंने बाल कटवा लियो, मतलब भाई कटवाऊंगा भाई बाल भी जल्दी कटवाऊंगा, एक बोझ ख़त्म होगा भाई प्रैक्टिकल देते ही। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब पेपर ख़त्म हो, और 4 जून को पेपर ख़त्म है, वो 4 जून को जो शाम के 4 बजेंगे वो कितने मस्त होंगे ना पेपर ख़त्म होने के बाद, इंजॉय खुला परिंदा बाज। गाइस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ अगर भाई से कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट करना चाहते हो, दिल से दिल का कनेक्शन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। नहीं पता इंस्टाग्राम? ओहो डिस्क्रिप्शन में जाओ और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और वहाँ करते हैं प्यारी प्यारी बातें, ठीक है गुड।